सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम दशमलव वाली जो संख्या हमने पढ़ी थी उनका गुणा करना सीखेंगे। दशमलव वाली संख्या जैसे मान लो आपके पास भी 0.2 गुना जी। अब अगर आपको इनको गुणा करना है तो सबसे आसान तरीका संख्याओं को गुणा कर लो यार, इन दोनों को गुणा करो, कितना है 12। यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आप पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो या तो ये से कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है जैसे यही संख्या थी तो सबसे पहले इसको लिखो, ये तो जीरो है, इसे ही पॉइंट के बाद कितना लिखा हुआ है 2। अब पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या है तो एक के एक जीरो लगा दो, गुणा करना है आपको 6 से, 6 को 2 से गुणा करो आ जाएगा 12 और बटे में है 10। अब वापस जैसे यहाँ पॉइंट लगाया था तो अब पॉइंट हटा लगा देंगे, अगर एक के साथ एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ, अगर मान लो 2 जीरो है तो फिर पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ, जितनी जीरो होगी उतनी संख्या छोड़ के हम क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। इससे पर आसान यह है कि आप तो सिंपल गुणा कर लो, पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतनी संख्या पीछे से छोड़ के, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतनी संख्या पीछे से छोड़ के क्या करना है पॉइंट लगाना है। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये सवाल है 0.05 × 7, तो यहाँ संख्या 7 है और यहाँ संख्या 5 है, जैसे आपके पास यहाँ संख्या है 7 और यहाँ संख्या है 5, तो इन दोनों को तो गुणा कर लो। अब देखो यहाँ पॉइंट के दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो आपको पीछे से 2 संख्या छोड़नी है, 1 और 1 2, और फिर क्या लगाना है दशमलव, जिसमें हो गया आपका गुणा। पॉइंट दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं बचती है तो हम मर्जी से जीरो लगा दिया करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है जैसे मान लो, यहाँ आपके पास है 20.1 × 4, तो अब यहाँ संख्या कितनी है 201 है पूरी, 201 को 4 से गुणा कर लो आप, तो ये 408। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो आप पीछे से एक संख्या छोड़ के और यहाँ लगा दो पॉइंट, अगर आगे संख्या है तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं, अगर संख्या नहीं हो तो जीरो लगा देंगे, इसका भी हो गया ये 8। अब इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन करने, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह आपका अभी जो हम क्वेश्चन करते हैं उस तरह के सारे सवाल हैं, तो यह आपको करने हैं HW में। इसके बाद हम फिर अगले वाले पे आएंगे, अगले टाइप पे नोट कर लेना है। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई 5.7 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो देखो आयत की लंबाई कितनी दी है 5.7 से, आयत की चौड़ाई 3 से। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो 5.7 और चौड़ाई ये 3, गुणा कर लो। अब देखो पॉइंट वाली संख्या आ गई या दशमलव वाली आ गई, तो आपको इससे कोई ये नहीं है, मानो दशमलव है ही नहीं तो कितना हो गया 57, गुणा किससे करना है 3 से, गुणा करेंगे 7 + 21 का 1 हासिल कर 2 5 + 15 16 और 17, तो ये आ गया हमारा
71। अब आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आपको पीछे से एक संख्या छोड़ के क्या करना है, दशमलव लगाना है, सेम में था सब सेम स्क्वायर लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं दूसरे की तरफ, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जिनको 10 से 100 से 1000 से या इस तरह गुणा करना है। तो यहाँ देखो 1.3 है, तो हम इसका दशमलव उठाते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 लिखेंगे, दशमलव के बाद दो संख्या हो तो 100 लिखेंगे, और 3 हो तो 1000 लिखेंगे, और गुणा में 10। अब ये उस तरह के सवाल होंगे जो हमने इनसे पहले वीडियो में सीखे थे। उसमें हमने क्या किया था कि जो भी गुणा और भाग हमने सीखे हैं तो वो सारा आप यहाँ करना है। अब मैं क्या बताया था कि भाई ये 10 ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे और नीचे की नीचे करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये कट रहे हो तो काटते हैं, यहाँ देखो इस 10 से ये 10 जाता है, ये कट गया, कितना बच गया 13। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो ये 368 पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 लगाएंगे, एक संख्या हो तो 10 लगाना है, 2 तो 100 लगाना है, और 3 हो तो 1000, 4 हो तो मतलब जितने संख्या है उतनी जीरो लगाना है। यहाँ है आपके पास गुणा में 10, तो ऊपर ऊपर की गुणा होती है और नीचे की नीचे गुणा होती है, 10 से 10 कट जाएगा, 368 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा। जैसे मान लो आपके पास है 43.07 गुणा 100। अब जैसे मानो ये, तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो इस पूरी संख्या को लिख के कितनी जीरो लगा देंगे, 2 गुणा में कितना है 100। तो हमने क्या सीखा था गुणा करने का तरीका कि ऊपर ऊपर की गुणा होती है, तो ये इनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं, नीचे की नीचे गुणा होगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे 1, ये 2 जीरो से 2 जीरो, नीचे 1 बचा कोई मतलब नहीं, ऊपर कितना बच गया, और ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे क्वेश्चन है 0.08 और गुणा करना है 10 से, तो यहाँ देखो ये हटाएंगे, पॉइंट के बाद दो संख्या है 2 जीरो, इस 8 के पहले जो 0 है और इनके अगर आगे कोई संख्या नहीं हो तो इनका कोई मतलब नहीं है, गुणा यहाँ 10 है, ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे, नीचे की नीचे 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आ गया हमारे पास 8/10। अब देखो बटे में तो आंसर लाना नहीं है, सब जो भी आंसर भी आएगा वो भी दशमलव में ही आएगा, तो इसको दशमलव में लाने के लिए हमने देखो इससे पहले वाले सवालों में किया था कि नीछे जितनी जीरो होगी उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 1 जीरो है तो 1 संख्या छूट जाएगी और ये लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं अगली टाइप पे, देखो अगले प्रकार की जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है किसी एक तरफ दशमलव आया है, अब जो सवाल करेंगे उसमें दोनों तरफ ही है, अब देखो इस यहाँ पे आपके दोनों तरफ दशमलव है, तो इसको गुणा करने के लिए आसान तरीका यह है कि ये पॉइंट हटाएंगे और 25/10 यहाँ भी हटाएंगे, 0 कोई मतलब नहीं है, ये कितना है 3, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो। अब मैंने आपको बताया देखो सिंपल गुणा हो गया बटे वाली संख्या का, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा, ऊपर गुणा करेंगे 75, नीचे गुणा करेंगे 100। अब देखो एक के साथ कितने जीरो है 2 जीरो, तो ऊपर कितनी संख्या छोड़ देंगे 2 संख्या, एक छोड़ी फिर दूसरी छोड़ी और लगाया पॉइंट,
पॉइंट क्या है कि कोई संख्या दी हो तो हम क्या लगाते हैं। ये इस प्रकार के सवाल है। देखो पहले एक में जीरो आई, सॉरी एक में दशमलव आया, फिर दशमलव के साथ दस आया, और अब दोनों में ही दशमलव आ रही है। ये इस तरह का सवाल है। एक और ले लेते हैं। अब सवाल है ये, इसमें देखो ये तो है 0.2 और ये है 316.8। यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, यहाँ देखो 3168, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा, इनको गुणा करेंगे 8 2 16 के 6 हासिल का 1, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और ये 3, सॉरी 3 2 6 बटे में 10 × 10 = 100। अब देखो कितनी जीरो है, दो जीरो, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब संख्या हमेशा पीछे से ही छोड़नी है, तो 6 और 3 छोड़ दी, दशमलव लगाया, इसके आगे जो संख्या बच रही है वो उतार दो, 63.36 इसका आंसर है। अब अगले सवालों पे, इस टाइप के आपके 3 क्वेश्चन हैं और 4 उत्तर दिए थे मैंने, 7 क्वेश्चन हो गए, ये करने हैं आपको उम्र और मेरे नंबर पे भी सेंड करना है मोबाइल नंबर पे। ये करने के बाद इसी से आगे कल बढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।